Early 90s, the old heroes were gone and the new ones were yet to rise. Ma'am, shot ready. हाँ यार, I'll call you right back. Yes, sure. आप बैठिए बैठिए, घबराइए मत, आराम से बोलिए. मैम, SBI से 500 करोड़ गायब है मैम. मैम, ना ही बिहार इशू है, ना ही SGL फाइल है. मैम, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है. आप घबराइए मत, आप यहीं बैठिएगा, कहीं जाइएगा मत. छोटू, एक चाय ला. सर, एक मिनट. सर, आपके सुझाव पर मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया और मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ. शुक्रिया शुक्रिया. मैं सिगरेट तो नहीं पीता, लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए. कैसा है आपका सोर्स जिसको वर्बल डायरिया हो गया था? आपको बड़ी नॉलेज है मेरे बारे में. मार्केट में दोस्त और दुश्मन सबकी खबर रखना पड़ता है. मैं कौन हूँ, दोस्त या दुश्मन? आप जानती है, आप भी जल्दी जान जाएंगे. बिल्कुल. सो, रिस्क है तो इश्क है का क्या फंडा है? इसका फंडा यार, घर में भी लोकल ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है. क्या कर सकते हैं यार, पैसे भी तो नहीं है. कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, अपना काम भी ऐसे ही चल रहा है. मैंने ना स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे, अपन भी इसमें करते हैं कुछ फिर. स्टॉक मार्केट रिस्क बहुत है, पता है ना तुझे यार. रिस्क है तो इश्क है. क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं यार, मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ, उसमें रिस्क बहुत है. अरे इतना टेंशन मत लो, कुछ तो कर ही लोगे. देखता हूँ, कुछ तो करूंगा ही. हाँ, क्या बोल रहा था तू? मैं ना स्टॉक मार्केट वाली बात के लिए सीरियस हूँ. तू किसी को जानता हो तो मिलवा मेरे को. पहले ही बोला मैंने, रिस्क बहुत है इसमें. अरे किसी खास ने कहा है रिस्क है तो इश्क है? किसी खास ने कहा है? आप अपने आप को समझते क्या है? जब सुबह मार्केट में घंटी बजती है ना, उसके साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है. आपने PSC को हिला के रख दिया, लाखों लोगों की किस्मत बदल दी. लेकिन अब आपके खिलाफ सबूत है, तो अब भी आपके पास कोई जवाब है या आपके सारे बहाने खत्म हो गए? सर, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. पहले से कुछ किया है? जॉब बहुत सारी की है, तो जॉबर से तो शुरू कर ही सकता हूँ. वैसे भी गुजराती के लिए धंधा ही धर्म होता है. चल, नंबर लगा 011-25-55-55, टमाटो सूप, मसाला पापड़, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, रोटी, अचार, दाल फ्राई, आलू जीरा. भैया ऑर्डर, टमाटो सूप, मसाला पापड़, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, रोटी, अचार, दाल फ्राई, आलू जीरा. तो बोल, आलू जीरा. कैंसिल कर दे, भूख नहीं है. भैया नहीं चाहिए. कल से आ जा. जी सर. हेलो, भूषण भट्ट. हर्षद मेहता. हाँ, हर्षद शांतिलाल मेहता साहब ने बताया था. हर्षद, मार्केट लक का गेम नहीं है. ये ट्रेंड को स्पॉट करना, पैसे का पीछा करना है. पैसे का पीछा करो, मार्केट तुम्हारा पीछा करेगा. ये लो, आज से ये तुम्हारी रिंग में पहचान. ये कुछ साइंस है, रिंग में याद रखना. 25, 5, 500, 5000 कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है. समझ गया समझ गया. हाँ, याद तो रहेंगे ना, भूल मत जाना. हाँ, और भूल जाए तो मुझे पूछ लेना, रिंग में जाकर तीसमा खान नहीं बनना. हाँ, 25 नहीं, बाथरूम है. नहीं, बाथरूम तो 2 घंटे बाद जाना भाई, अभी टाइम हो जाएगा. हर्षद को अब बस एक ही चीज दिख रही थी, BSC की रिंग. और एक बार हर्षद रिंग पहुंचा, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट जॉबर इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट. और भैला कैसा रहा आज पहला दिन रिंग में? बढ़िया था रिंग में तो. अरे उसने तो बहुत कमा लिया यार इनसाइडर ट्रेडिंग से.
इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट की वो प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डेटा डेट से पहले ही कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट हमें बता देती है और इस इंफॉर्मेशन से हमारे लॉस के चांसेस जीरो से ना के बराबर हो जाते हैं। हर्षद मेहता के बहुत बड़े बड़े सपने थे बट उसके सपने रिंग के आगे छोटे पड़ रहे थे क्योंकि इस रिंग के रिंग मास्टर थे मनु मंदोरिया जिनके चलने से ही मार्केट हिलने लग जाता था। लेकिन इस रिंग के रिंग मास्टर का नाम था ब्लैक कोबरा यानी मनु मुंद्रा। मनु भाई के कहने भर से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था। ले तू भी रख। पर इस कोबरा को मार्केट में रोकने वाला बस एक ही था, हर्षद मेहता। इस घटना ने हर्षद को और मजबूत कर दिया और उसने अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू किया और खुद मार्केट में उतार चढ़ाव करने लगा। प्रणव भाई सुनो तो, 5 मिनट बात करनी थी। एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ, नहीं करनी। अरे प्रणव भाई सुनो तो। क्या सुनू मैं ना पैसे सूंघ लेता हूँ और पैसा पैसे को खींचता है और चिल्लर चिल्लर को। अरे आपको मालूम है इंडिया में फेक करेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है? हाँ भाई, 100 का नोट। 100 का नोट नहीं, चिल्लर। नोटों पे सबका ध्यान होता है, चिल्लरों पे किसी का नहीं। इसी तरह पेनी स्टॉक्स, इस पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता और इनको ऑपरेट करना भी आसान है। किया ना बहुत प्रॉफिट बनाएंगे। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसके प्राइस 10 उससे कम या उसके आसपास होते हैं। हाथ में हाथ मिलाओगे? अच्छा अब तू मेरे साथ ऑपरेट करेगा, हाथ मिलाएगा? चल पहले करके दिखा, फिर देखो। फिर आज आप अलवर फार्मा को रिंग में? हाँ चल देखते हैं। उसके बाद अलवर फार्मा ऐसे उठा जिसकी कोई हद नहीं। हर्षद अब सबकी नजरों में आने लगा था, वो मार्केट को अपने बलबूते पे हिलाने लगा था। इसके चलते हर्षद के मार्केट में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कई दुश्मन बनने लगे और इसी दौरान मार्केट में हुआ एक बहुत बड़ा क्रैश जिसके चलते हर्षद मेहता के 10 लाख रुपए का लॉस हुआ और उसका ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। पर कहते हैं ना, जब घड़ी हो परीक्षा की तो सारे दुख दर्द एक होकर सामने आ जाते हैं। हर्षद मेहता यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कब तक चलेगा? चंदू भैया 3 चाय लगाना। हर्षद भाई आज की चाय मेरी तरफ से फ्री आपको। किस खुशी में भाई? अरे वो जो आपने कल मेरे को टिप दी थी ना, सच में उसमें बहुत मुनाफा हुआ और माँ कसम ऐसे टिप ना हम पे मेहरबानी करके रोज दे दिया करो यार आप। सच में यार धन्यवाद आपका यार ऐसे। देख यार सही तो बोल रहा है वो। देख कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं? देख मेरी बात सुन, अपने 3 लाख तो भर दिए हैं। मेरे ना जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ना जमीन बेची है। काका ने? हाँ काका नहीं, उन्होंने जमीन बेची है तो उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए भेजे हैं। 3 लाख तो भर चुका है पहले ही, 4 लाख और दे दे, 7 लाख में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा ले। कुछ तो कर ही पाएंगे ना, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे अपन भी? सोच कुछ बैठ के तू। सला सुजान कंपनी चालू करते हैं, कंसल्टेंसी। ओ खोल तो लेगा, अपन नाम सोचा है क्या रखेगा? ग्रोमोर का ऑफिस हर्षद मेहता ने अपने पिता के पुराने टेक्सटाइल वर्कशॉप में सेटअप किया। हालांकि हर्षद को दूसरी जगह भी मिल सकती थी बट वो इस जगह से इमोशनली कनेक्टेड थे, इसीलिए उन्होंने ग्रोमोर की शुरुआत यहां से करना सही समझा। अभी तो मार्केट में लॉस देखा मैं, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। सर मार्केट सांप सीढ़ी का खेल है, चढ़ता उतरता रहता है। और गिर गया तो? सर कैसे गिरेगा, अभी तो धूल चाट रहा है और कितना ही गिरेगा, अब तो उठेगा ही मार्केट। हमारा भी नया धंधा है, आपको 2 पैसे बना के देंगे और 4 हम और तो थोड़े हम भी कमा लेंगे। फिर तुमने मुझे पहला पकड़ा समझ के तो नहीं आया हो क्या यार अश्विन? जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके सामने ये बात अच्छी क्यों करना है? इन्वेस्ट करना चाहिए सर, अपने क्लाइंट है वो। भाई के क्लाइंट भैंस भगोड़ा ना छाछ सगोड़ा और घर में धमादम। घर में भैंस नहीं पहली छाछ के सपने देख रहा है, इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है थोड़ा भी। तो लाया एक भी क्लाइंट सर, आपका पैसा आपका डिसीजन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस वाला एग्जांपल देना तो बंद करो, पहले मैं मना नहीं किया हूं। ठीक है करते हैं। इतने चाय के डिब्बे, चाय की दुकान खोलनी है क्या?
अपन चाय में इन्वेस्ट करने वाले। टपरी वाले ने अठन्नी क्या बढ़ा दी, तुझे लगता है मार्केट बढ़ जाएगा? तेको पता है चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कहाँ? शीतल दास की बगिया। गांडो तो छे अफ्रीका में होता है। दुनिया का 30% चाय का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। दूसरे नंबर पे श्रीलंका और चौथे पे इंडिया। तेको पता है बिन मौसम बारिश के कारण अफ्रीका का प्रोडक्शन गिर गया, प्रॉफिट किसको होगा? इंडिया को। हाँ इंडिया को। तो अब इंडिया को जैसी प्रॉफिट होगा तो अब हम चाय में इन्वेस्ट करेंगे। और ये देख इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला है तो फायदा किसको होगा फिर? और इंडिया को, मतलब टाटा टी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। हाँ, उसमें लगाया तो पक्का मुनाफा। भाई लगाते हैं यार इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हर्षद मेहता हैंस डिसाइडेड टू सिंक मनी टू हैसन्स मलयालम टाटा टी एंड मैकलियर रसल विच रिजल्टेड इन हर्षद क्रिएटिंग ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम इट। ये मेहता है कौन साला, बहुत नाम नहीं हो रहा इसका मार्केट में। इस पायलट का क्या करना है? ये पायलट कुछ नहीं कर पाएगा, ये मार्केट गिराने का टाइम है। सारे तेजी के सौदे स्क्वायर ऑफ कर दो और अब मार्केट को नीचे गिराओ। ये इंडेक्स है ना, ये बहुत जल्दी जमीन चाटने वाला है क्योंकि पायलट के हाथ में प्लेन की नहीं देश की इकोनॉमी दे दी है। तुझे क्या लगता है सर? प्रणव भाई सुन पाओगे? ले कान खुले हैं बोल। ये मार्केट का मसाला ना चार चीजों से मिलकर बनता है। पहला इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च, खबर, इसमें थोड़ा सा रिस्क का तड़का जो मार्केट का मसाला है। जितना रिस्क ज्यादा उतना तीखा मसाला और इसमें थोड़ी सी भावना। कौन भावना? इमोशन और इसमें थोड़ी सी नियति। अब ये नियति कौन है? लक, किस्मत। ये रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है। ये देखो देश में दंगे चल रहे हैं और तुझे पेट्रोल में इन्वेस्ट करना है। गाड़ी जलाने और चलाने दोनों के लिए पेट्रोल लगता है। सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू देखो डार्लिंग। भैला आज इनरोल डुबकी लगाएगा। इस सर ने पाप कौन धो रहा है? कोबरा कोबरा। अपने पास तो लॉन्ग पोजीशन थी ना? शॉर्ट कर रहा है साला, उसकी पूंछ भी तो लंबी है। इस साले कोबरा को इसकी लंबी पूंछ से ही पकड़ेंगे। ठीक है भाईला। लाला अब अपन भी मनी मार्केट में डील करेंगे। सब सही तो चल रहा है, अब ये नया क्या सर दर्द है? ग्रो मोर में ग्रोथ दिख रही है किसी को? सिर्फ नाम का ग्रो मोर है। तो कोई सॉलिड प्लान है तेरे दिमाग में? ये हुआ ना सही सवाल। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर को हर कंपनी के बारे में पता होता है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कब बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, इसी तरह से मनी मार्केट में किस बैंक को कहां से किस तरीके से कब फंड आएगा ये ब्रोकर को पता होता है। मनी मार्केट में हम पीएसयू, गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनमें डील करते हैं। इसके हर ट्रांजेक्शन में ये एसजीएल है, एसजीएल यूज होता है, और इसके अल्टरनेट में हम बीआर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम बीआर यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन जल्दी होगा, हमको प्रॉफिट होगा। देखिए हमें पता है एसबीआई को बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बनी रहती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से। हम वो पूरा सोर्स कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल सेफ होगी पूरे मार्केट में। और रही बात ब्रोकरेज की, ग्रोमोर जाना ही इसीलिए जाता है, आपको पूरे मार्केट में बेस्ट ब्रोकरेज रेट मिलेगा। रिसर्च तो हमने भी कर रखी है मेहता साहब। You have your own methods. और ये भी सच है, You have never let your client suffer a loss. बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी trust is the most important thing in the world. Cheap people can't afford it. आज हम यहाँ मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, सेफ प्ले के लिए नहीं, SBI की इमेज चेंज करने के लिए। We are in business, Mr. Mehta. Sure. हर्षद मेहता बहुत ही होशियारी से, बहुत ही आसानी से SBI और बाकी banks को, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी PSUs को अपने बिछाए हुए चक्रव्यूह में कैद कर लेता है। He inflated the whole share market to its peak और बहुत लंबी उड़ान उड़ने लग जाता है। And he earned the title of the big bull. Yes, Mr. Mehta. जी हैं, आप लोग कौन? हमें मिस्टर मेहता से बात करनी है। मिस्टर मेहता, के माधवन, जॉइंट डायरेक्टर CBI। आइए आइए, चाय नाश्ता को। चाय नाश्ता रहने दीजिए मिस्टर मेहता। यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? मार्केट का काफी फायदा उठाया है आपने मिस्टर मेहता,
अब आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट, चलिए हमारे साथ। आपके सारे बहाने खत्म हो गए, होशियार रहिए, आप पब्लिक में हैं, आप जो भी कहेंगे सब सुन रहे हैं। पब्लिक से क्या डरना, मैं खुद ही पब्लिक हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ, खड़ा हो जाऊँ, या ये भी एक जुर्म है। आप कहती है मैं कानून के खिलाफ हूँ, 50 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था, उस एक को बापू कहते हैं, उनके वक्त गुलामी कानून था, उन्होंने एक नया कानून बनाया हमारी आजादी का। बस बस मुझे पता है, लाइट्स। रुके, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। मैं बापू नहीं हूँ, अपना धंधा करना जानता हूँ, मेहनत जानता हूँ, गरीबी जानता हूँ। छोटे घर में बैठ के एक सपना देखा था, एक दिन एक बड़ा आदमी बनूंगा। जब सारे रास्ते थम गए तब मैंने स्टॉक मार्केट को चुना, जो रास्ता चुना वो सिर्फ अमीरों का था। तो आप किस चीज से नाराज है, मेरी तरक्की से, या इस चीज से गुस्सा है कि एक आम आदमी हद से आगे बढ़ गया? आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, चीटर, लायर, फ्रॉड, जब मैं मार्केट में आया था इन सब का मतलब भी नहीं जानता था। कई बार गिरा हूं तब जाके सीखा हूं, अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनको मुझ पे भरोसा है। मेरे को गोल्फ खेलना नहीं आता, लेकिन अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं, प्रॉफिट बनाना जानता हूं। मैं भले ही कानून की नजरों में गुनहगार हूं, पर लोगों ने मुझ पे भरोसा रख के कमाया है। लोगों को मार्केट बताया, लोगों को मार्केट का पावर बताया, क्या ये है मेरी गलती? इसके लिए मांगू माफी? आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर आप एक चीज नहीं छीन सकते, मेरी हिम्मत। मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। आप मुझे रोकना चाहते हैं, मेरे साथ पूरा देश, पूरा मार्केट बढ़ रहा है। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, सजा से नहीं डरता मैं, लेकिन आप इस देश की तरक्की पे कौन सी इंक्वायरी बैठाएंगे? इस देश को रोकने की ताकत आप में नहीं है। आज एक हर्षद मेहता जाएगा तो कई और आएंगे, आने वाला समय जरूर देखेगा। ये झोल है घंटे का, ये रॉबिन हुड, ये कफलो का गेमॉन है, कब सीखेगा ये सब साला पुट बने सब मौन है, उसने जीत लिए बासी ब्लफ खोले ऐसा कौन है। Now that is a scam. Good luck, change the world. कोशिश तो करूंगी। ऐश्वरी, ये हर्षद मेहता बैंड है कौन? धंदा नो हूँ बच्चन लाला, पूरा पूरा दम्मा, मैं तनु आदम चले।